वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज मैं आप सभी के लिए गई हूँ वाटरप्रूफ मेकअप ट्यूटोरियल यूजिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड नॉन ट्रांसफर प्रूफ ब्राइडल मेकअप, भी आप इसको बोल सकते हो। सो गाइज, मैंने एक वीडियो आपसे शेयर किया था जिसमें कि मैंने आपको हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन से बताया था वाटरप्रूफ मेकअप। तो बहुत लोग का रिक्वेस्ट था कि मैम आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से बताओ जो कि हम परचेज कर सकें फिर हमारे बजट में हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक जो देखिएगा, बिल्कुल भी स्टैंपिंग नहीं आएगी आपके हैंड में, फिर आप कितना भी वाटर फेस पे डाल लो आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए जिनको भी इस टेक्निक से मेकअप सीखना है। ये बहुत ही न्यू टेक्निक है, मैंने भी रिसेंट में सीखा है, इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जितने भी मेरे हिडन टैलेंट है ना, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लास्ट में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। एंड मुझे कमेंट कर सकते हो ये लुक आपको कैसा लगा, ईजी लगा या नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए अब हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सीडीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लींजिंग ऑलरेडी हो चुका है क्लींजिंग मिल्क की मदद से। नेक्स्ट टोनर के लिए यूज हुआ है गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट टोनर, जो कि काफी अच्छा टोनर है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है मॉइस्चराइजर। सीरियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलती हूँ, तो अच्छे से आपको ये तीनों स्टेप को फॉलो करना है। बायोडर्मा का एटोडर्म क्रीम मॉइस्चराइजर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आपको 2 मिनट्स का गैप रखना है। नेक्स्ट आपको प्राइमर अप्लीकेशन करना है। कलबा का प्राइमर बहुत अच्छा होता है, ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। जब भी आप वाटरप्रूफ मेकअप करते हो, आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर या फिर मैटिफाइंग प्राइमर ज़्यादा यूज़ करोगे। आपको मतलब ऐसा प्राइमर यूज़ करना है जो लॉन्ग लास्टिंग हो एंड अच्छे ब्रांड का हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करें क्रेलॉन सुप्रा कलर पैलेट में से 303 नंबर, जो कि एज ए ऑरेंज कलर का एक बहुत अच्छा वर्क करता है। सो अनइवन स्किन टोन आपको नजर आ रही है, जैसे कि माउथ के राउंड, फिर अंडर आई के नीचे, तो यहाँ पे डिसकलरेशन रहता है हमारे क्लाइंट को, सबको रहता है। आप ऐसा गौर से देखोगे ना तो दिखेगा आप लोगों को। तो ये सब एरिया में आपको क्या करना है, अच्छे से कलर करेक्ट कर देना है। इसके ऊपर जो भी आप फाउंडेशन लगाओगे वो मडी या ब्लैक नजर नहीं आएगा। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो बेस मेकअप है ये एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन डर्मा पैलेट। सो इसका जो मेन प्रोडक्ट है इस मेकअप का वो है क्रेलॉन का डर्मा पैलेट। सो मैं यूज़ कर रही हूँ 2 शेड, एक D5 जो कि मैंने स्क्रीन पे दे दिया, एक D64, दोनों को मिक्स मैंने कर लिया। स्पैचुला से मैंने निकाल लिया था फाउंडेशन प्लेट में, एंड देन मैंने पहले तो मैंने डायरेक्टली ब्रश से अप्लाई किया। नेक्स्ट मुझे लग रहा था कि मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, दोनों शेड को अच्छे से कस्टमाइज़ कर लिया एंड इस तरह से ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, क्रेलॉन डर्मा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बेस है एंड ये बहुत अफोर्डेबल है। साथ ही साथ इससे अगर आप बेस क्रिएट करते हो ना, आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। वाटरप्रूफ मेकअप के लिए भी ये काम आता है, इस वजह से मैंने इसका यूज़ किया क्योंकि अफोर्डेबल है। सो एक बेस हमें पहले इसका दे देना था। इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, पैक का माइक्रो फिनिश मिस्ट या फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि क्रेलॉन डर्मा ना बहुत ज़्यादा थिक होता है, ये जल्दी ब्लेंड नहीं होता है ठंड के मौसम में, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। बट अगर आप एक फिक्सर कर दोगे या कोई भी फिक्सिंग मिस्ट यूज़ कर लोगे तो अच्छे से क्या होगा, ये ब्लेंड हो जाएगा। पहले ब्रश की मदद से ब्लेंड किया गया था, नेक्स्ट यह ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ हो रहा है। ये फॉरएवर 52 का ब्यूटी ब्लेंडर है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। सो अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। क्रेलॉन डर्मा बहुत अच्छा होता है, सुप्रा भी अच्छा होता है, बट डर्मा ज़्यादा वाटरप्रूफ होता है। सो क्योंकि ये थिक होता है इस वजह से एंड ये मैट है। मैं 2 शेड दिखा देती हूँ कौन कौन मैंने यूज़ किया था। नेक्स्ट गाइस, इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे पैक का फाउंडेशन, 2.0 शेड नंबर है। सो गाइस, ये फाउंडेशन भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 850 का, ऑन डिस्काउंट आपको 700-600 मिल जाएगा। सो एक बेस हमने डर्मा का दिया, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लिक्विड बेस देंगे। इससे क्या होगा, जो बेस मेकअप आपने किया ना ये बहुत फ्लॉलेस हो जाएगा। एंड गाइस, ट्रस्ट मी आप मेरे बताए हुए मेथड से वाटरप्रूफ मेकअप करो, ये सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं। क्योंकि कंसीलर पैलेट क्रेलॉन डर्मा का आपको 1500 मिल जाएगा, जिसमें आपको 6 शेड मिलते हैं, तो अफोर्डेबल ही ना गाइज हुआ, तो आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे मेरी वीडियोस को देख के। तो अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आप लोगों को, आप लोग को हाईलाइटिंग भी साथ ही साथ कर लेना है। हाईलाइटिंग के लिए यूज़ हुआ है क्रेलॉन डर्मा पैलेट से D4 शेड। D4 लाइट शेड होता है, D5 डार्क होता है, D64 भी लाइट हुआ। सो आपको हाईलाइटिंग करना है अच्छे से। सो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत लीजिए, वाटरप्रूफ मेकअप में मिनिमम प्रोडक्ट से मेकअप करना होता है। बहुत ज़्यादा केकी कर दोगे ना बेस को, वो अच्छा नहीं लगेगा।
तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर आप बड़ा छोटा कोई सा भी ले सकते हो, ब्रश आपको अच्छा लग रहा है ब्रश करो, ब्रश से ब्लेंड करो, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा सही लगता है। इससे मुझे ऐसा लगता है मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है एंड अच्छे से स्किन के अंदर पुश होता है, मतलब होता है ना उबड़ा उबड़ा नज़र नहीं आएगा। गाइज अच्छे से ब्लेंड हो गया, अब आते हैं मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब आपको पूरे फेस में वाटर स्प्रेड करना है, कोई सा भी खाली बॉटल ले लीजिएगा, मेरे पास भी बहुत सारे खाली बॉटल रहते हैं पार्लर में, जैसे कि कोई भी स्प्रे के, तो उसमें वाटर मैंने भर दिया। एंड वाटर जो भी आप यूज़ करोगे एकदम क्लीन होना चाहिए, एक दिन पुराना नहीं होना चाहिए। एंड पूरे फेस पे अब आपको क्या करना है, वाटर स्प्रेड करना है। वाटरप्रूफ टेक्निक इसे हम बोलते हैं, नॉन ट्रांसफर प्रूफ मेकअप के लिए यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जो भी एक्सेसिव फाउंडेशन आपने अप्लाई किया हुआ है फेस पे वो सारा निकल जाएगा, मतलब ज़्यादा निकलता है तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ जो भी पाउडरनेस लगती है फेस पे वो सब गायब हो जाएगी। एंड क्या करेगा, आपके फेस को थोड़ा सा कूल डाउन कर देगा अभी ये। इसके बाद आप इसको रहने दोगे 2-3 मिनट के लिए। आपको क्या करना है अभी, जैसे मैंने कोई बेस को सेट नहीं किया, अच्छे से वाटर एकदम भर भर के मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ, आप देख सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा मैंने कर दिया था ना कि मतलब मेरे मॉडल ने बोला बस भी करो दीदी। गाइस मैं बस आप लोग को एक लाइव प्रूफ दिखाना चाहती थी कि इस तरह से अगर आप मेकअप करोगे ना मेरे बताए हुए तरीके से, तो ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, 24 आवर्स तक ज़रूर रहेगा। आप कितना भी इसके बाद वाटर फेस पे ले लो या फिर आपको स्वेट आता है, कहीं नहीं जाएगा। एंड नॉन ट्रांसफर प्रूफ मीन्स आपके कपड़ों में नहीं लगेगा, आप फिंगर दोगे तो नहीं दाग आएगा। सो इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर रुकना है जब तक थोड़ा सा वाटर ड्राई नहीं हो जाए। नेक्स्ट आपको एक टिश्यू ले लेना है जो कि एकदम ड्राई होना चाहिए एंड इस तरह से डैब कर लेना है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ टिश्यू पे भी ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, लिटिल बिट 1% 2% होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं होगा, 1-2% होगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी होता है ना बहेगा नहीं, आप ऐसा समझो। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, तो ये टेक्निक आप समझ गए, अभी आपको अच्छे से वाटर को स्प्रे कर देना था। आप ऐसा समझो कि हम मेकअप को सेट करें, बेसिकली कोई फिक्सर का आज यूज़ नहीं करना है आप लोगों को, फिक्सर ऑप्शनल होगा इस मेकअप में यूज़ करना, आपको वाटर के साथ काम करना है। तो ये वाला टेक्निक आप क्लाइंट को भी दे सकते हो, मैं अपनी क्लाइंट को भी देती हूँ, इस बीच में जो भी मेरी क्लाइंट आई है ना, रियल क्लाइंट मैं बता रही हूँ, मैंने उन पर भी ये टेक्निक किया है। नेक्स्ट गाइस आपको FS28 शेड यूज़ करना है, क्रेलॉन सुप्रा से मैंने यूज़ किया है। एंड एक बेस आपको एक दे देना लाइट थोड़ा सा, इससे क्या होगा थोड़ा सा फ्लॉलेस आपका बेस नज़र आएगा। बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी लीजिएगा, थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर में लेके हल्का हल्का डैप कर दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। गाइस आपको टेंशन भी नहीं लेना है कि हमने वाटर स्प्रे किया है तो हमारा मेकअप कहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मेरे बताए हुए तरीके से एक बार बस घर पे ट्राई करो गाइस, एक बार मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, आप कमेंट में मुझे थैंक यू बोल के जाओगे। सो बस अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम हाईलाइटिंग करेंगे, सो मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ करी 02 नंबर। एंड गाइस इसके बाद आप स्टैम्पिंग भी करोगे ना, मीन्स आपका जो फिंगर या फिर होता है ना पाम फेस पे भी रखोगे ना, बिल्कुल भी दाग नहीं आएगा। सो मुझे ये मेथड काफ़ी अच्छा लगता है, रिसेंट मैंने भी सीखा था तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। एंड गाइस मैंने अपने मॉडल पे जो इतना स्प्रे किया था बस मैंने आप लोग को दिखाने के लिए किया था, अदरवाइज इतना आपको वाटर नहीं देना है, आप 2-3 बार स्प्रे कर दोगे ना वाटर काफ़ी है। बट गाइस आप लोगों के लिए मैंने मतलब होता है इनको भी थोड़ी तकलीफ दी, इतनी ठंड के मौसम एकदम ठंडा वाटर फेस पे। सो गाइस इतना एफर्ट मैंने किया एंड मेरे मॉडल ने, तो 1 लाइक तो बनता है, आप इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करोगे एंड शेयर करोगे गाइस, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए वीडियो शूट किया है, ये मेरे क्लासेस की वीडियो नहीं है, आप ऐसा समझो, बस आपको मुझे शो करना था कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट से कैसे करते हैं। सो अच्छे से हो चुका है फेस पे ब्लेंड, जो भी हमने कंसीलर को अप्लाई किया था, मैंने 02 यूज़ किया था, फॉरएवर 52 का मैंने दिखा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, कॉन्टोरिंग मैं यूज़ कर रही हूँ DZ2 शेड एंड ये है क्रेलॉन डर्मा शेड, डर्मा सुप्रा दोनों यूज़ कर सकते हो मिक्स करके, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी एंड ठंड के मौसम में तो सुप्रा का यूज़ होता ही है। सो हाइलाइटिंग आपको कर लेना है, आप किसी भी प्रोडक्ट से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बस हाँ अगर आपको एक वाटर प्रूफ बेस चाहिए तो डर्मा अफोर्डेबल में काफ़ी अच्छा है। सो अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंडिंग के लिए मैं छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप ब्रश का यूज़ करोगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट गाइस हम क्या करेंगे, सेट करेंगे कॉन्टोरिंग को, कॉन्टोरिंग क्रीम प्रोडक्ट उसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर, काफ़ी अच्छा ब्रॉन्जर है, सो अच्छे से आपको ब्रॉन्जिंग कर लेना है।
सो कॉन्चोरिंग को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो क्रीज ना करे। सो यूजुअली हम कहाँ पे ब्रॉन्जिंग करते हैं, जो भी पार्ट हमारा बड़ा नज़र आता है उसको थोड़ा सा, मतलब होता है ना, मैं कैसे बोलूँ आपको, चिजल दिखाने के लिए फेस को, जैसे कि मोटा फेस रहता है तो उसको पतला दिखाने के लिए हम कॉन्चोरिंग या ब्रॉन्जिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करना है, मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है बट बाद में ये बहुत अच्छा लगेगा। नोज़ पर आपको इस तरह से ब्रश को पिंच करके कर लेना है। नेक्स्ट गाइज, हम ब्लश अप्लीकेशन करेंगे। सो मैं यहाँ पे शुगर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा ब्लश है। एंड ब्रशेज जो भी मैं यूज़ करती हूँ फेस के लिए वो बॉजी ब्यूटी एंड कफ एंड लेसेस के होते हैं, अफोर्डेबल में कफ एंड लेसेस आप ट्राई कर सकते हो। सो ये वाला ब्लश मैंने यूज़ किया, मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का लूज पाउडर। मैं दिखाना भूल गई थी बट मैं नेम आप लोग को बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा लूज पाउडर है। तो आपको क्या करना है, टी जोन को बहुत अच्छे से सेट करना है गाइज। अगर आप चाहते हो आपके फेस पे कोई भी दाग नहीं आए, जैसे कि आप फिंगर भी रखो तब को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कीजिएगा, गले पे ना ब्रश की मदद से कर दीजिएगा। एंड मैंने टी जोन पे पहले अप्लाई कर दिया, एक मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी, सारे लूज पाउडर को, ये बनाना पाउडर को हटा दूँगी। बस मैंने अंडराई के नीचे इसलिए रखा है क्योंकि मैं आई मेकअप करूँगी तो जो भी फॉल आउट होगा उसके ऊपर ही होगा। सो हम कर रहे आईब्रो को फिल। मैं यूज़ कर रही यूरोप गर्ल की आईब्रो किट, ब्राउन एंड ब्लैक शेड को लेके मैं अच्छे से आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आप कोई सा भी पोमे यूज़ कर सकते हो, आईब्रो पाउडर यूज़ कर सकते हो, आई शेडो पैलेट में भी जैसे ब्लैक एंड ब्राउन कलर देता है उन दोनों को भी मिक्स करके आप आईब्रो को अच्छे से फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम एक कंसीलर यूज़ करेंगे आई बेस के लिए, ताकि हम जो भी आई मेकअप करें वो अच्छे से नज़र आए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बी परफेक्ट कार्निवल एक्सल प्रो पैलेट, वन ऑफ द बेस्ट पैलेट, प्रोफेशनल पैलेट है एंड मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ऑरेंजी शेड को, एंड मैंने ब्रश पिक किया है 01 फ्रॉम पैक आई स्क्वायर किट। सो इस तरह से मैं ऑरेंजी शेड को ले रही हूँ क्रीज पे एंड ब्लेंड कर रही हूँ। हमें आउटर कॉर्नर के पास थोड़ा सा पैट करना होता है कलर को, एंड इनवर्ड मेथड से ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है, मीन्स अंदर की ओर ब्लेंडिंग हल्के हल्के हाथों से करनी है। किस तरह से हमें ब्लेंडिंग करनी होती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड सर्कुलर मोशन में, दोनों आईज पे साथ ही साथ मैं कर रही हूँ। एंड मैंने कोई भी कंसीलर को आज सेट नहीं किया, आप चाहे तो सेट करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ब्रश दिखा रही थी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, हल्का सा डार्क कलर को लूँगी। सो मैं पिंक शेड को ले रही हूँ, पैक की ब्रशेज है 06, एंड इस कलर को मैंने आउटर एंड इनर के पास दिया है। आज मैंने एक हेलो आई लुक क्रिएट किया है। प्रॉपर हेलो मैंने नहीं बनाया, मैंने एकदम इजी रखा है ताकि बिगनर्स भी कर ले। प्रॉपर हेलो अगर मैं बनाऊंगी तो बिगनर्स के लिए थोड़ा स्टफ हो जाएगा। सो मैंने एकदम सॉफ्ट होता ना हेलो आई लुक अचीव करने का कोशिश किया है। सो पहले मैंने कलर को पैट कर दिया था ओनली, एंड नेक्स्ट मैं क्लीन ब्रश ले रही हूँ फ्रॉम पैक एंड अच्छे से सारे एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइज, इस तरह से आपको स्लोली स्लोली कलर को ब्लेंड करना है ताकि जितनी भी एजेस है, हार्श लाइन है, वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट मैं डार्क ब्राउन एंड डार्क पिंक कलर को ले रही हूँ, एंड ये ब्रश नंबर 10 है फ्रॉम पैक, एंड इस कलर को ओनली मैं क्रीज पे दे रही हूँ। गाइज, अगर आप मेरी रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आई थिंक अब आप भी मेकअप समझ गए होंगे मैं कैसे करती हूँ। हर एक मेकअप आर्टिस्ट की टेक्निक अलग होती है, करने का तरीका अलग होता है, हर कोई दूसरे तरह से करता है, मैं अलग तरीके से करती हूँ। तो मुझे किसी की कॉपी नहीं करनी, या मैं आपको भी बोलूँगी किसी की कॉपी मत करो, बस जैसे मैं कुछ आपको सिखाती हूँ ना तो आप कुछ अपना भी उसमें डाल सकते हो। सो मैं क्या करती हूँ, पहले लाइट कलर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं क्रीज को डेप देने के लिए छोटा सा ब्रश लेती हूँ, एंड डार्कर कलर को ओनली क्रीज पे देके ब्लेंड करती हूँ। नेक्स्ट मैं हल्का सा ब्लैक एंड ब्राउन शेड को ले रही हूँ, ये बॉजी ब्यूटी की ब्रश है, एंड इस कलर को मैं सिर्फ आउटर एंड इनर के पास दूंगी एंड हल्के हल्के हाथों से ब्लेंडिंग भी करूँगी। नेक्स्ट गाइज, आपको एक क्लीन ब्रश ले लेना है एंड सारे एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर देना है ताकि कोई भी हार्श लाइन नजर नहीं आए। नेक्स्ट मैं लूंगी हल्का सा, आप बोल सकते हो येलो शेड, मुझे येलो बहुत अच्छा लगता है क्रीज पे, तो मैंने ये वाला येलो शेड लिया है एंड इस कलर को मैं हल्का सा क्रीज पे दूंगी। ट्रांजिशन कलर आप इसको बोल सकते हो, बस इस तरह से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है येलो कलर, ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हो। दोनों आईज पे मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट गाइस, मैं ELF का कंसीलर ले रही हूँ, लाइट इवॉल्वी शेड, एंड इस तरह से मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। इससे सेंटर हमारा क्लीन दिखाई देगा। सो हेलो आई लुक का मतलब होता है हमारा सेंटर पे ना दूसरा कलर होता है, आउटर इनर पे सेम होता है। ज़रूरी नहीं आप कंसीलर की मदद से ही करोगे, विदाउट कंसीलर भी दे सकते हो, बट कंसीलर दे देने से क्या होता है, थोड़ा सा पॉप
कलर नज़र आता है, मतलब पॉप होकर नज़र आता है, क्योंकि ये क्लीन हो जाता है हमारा सेंटर वाला पार्ट। तो इस तरह से आपको अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर देना ओनली बीच में, एंड आउटर इनर के पास हम सेम कलर देंगे एंड सेंटर पे हमारा दूसरा कलर रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों शेड को लेना है एंड इस तरह से आउटर एंड इनर के पास ब्लेंड कर देना है, ताकि कंसीलर एंड मैट सेट के बीच जो भी लाइन नज़र आ रही है वो नज़र नहीं आए एंड सब कुछ ब्लेंड लगे। एंड मैं यहाँ पे पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम पैक। नेक्स्ट मैंने हल्का सा पिंक शेड को लिया है इस तरह के राउंड ब्रश में एंड मैं हल्के हल्के हाथों से सारे एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस आपने जो सेंटर पे कंसीलर अप्लाई किया उसको हल्का सेट कर दूंगी कॉम्पैक्ट से, तो अच्छा रहता है, इससे क्रीजिंग नहीं आती है। नेक्स्ट मैं हुडा ब्यूटी के पहले से ले रही हूँ ये गोल्डन शेड को एंड इसको मैं ओनली सेंटर पर अप्लाई करूँगी ब्रश की मदद से। आप चाहे तो फिंगर की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस ये आई मेकअप बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा ये वाला आई मेकअप। ब्राइडल को आप ये आई मेकअप आराम से दे सकते हो एंड आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रहा है ये वाला आई मेकअप। आप देखते होंगे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को इसी तरह का आई मेकअप देते हैं अपने ब्राइड को। नेक्स्ट आउटर एंड इनर के पास ब्लेंड कर देना हल्का पिंक ब्राउन शेड को लेके। सो डन हमारा आई मेकअप। इसके बाद क्या इनकम्प्लीट लग रहा है गाइस, ग्लिटर। तो मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ, स्टारडस्ट अर्थ रेक शेड है एंड ग्लिटर प्राइमर के लिए मैं PHC का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने प्राइमर यूज़ किया। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पैक की 203 नंबर ब्रश विच इज़ ब्लेंडिंग ब्रश एंड सेंटर पे इस तरह से ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ग्लिटर अप्लीकेशन ना ब्लेंडिंग ब्रश से ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट आपको लाइनर ड्रॉ कर लेना है। सो मैंने आई थिंक इन ग्लॉट या फिर मेबलिन में से कोई एक यूज़ किया था लाइनर, कोई सा भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बट इन ग्लॉट का वाटर प्रूफ है। नेक्स्ट मैं इन दोनों शेड को लेकर हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ जेल लाइनर को। इससे क्या होता है आपका जो जेल लाइनर है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है एंड आउटर कॉर्नर के पास ब्लेंड कर देने से क्या होता है थोड़ा सा स्मज लुक भी आता है। मैंने प्रॉपर स्मज नहीं किया है, बस हल्का हल्का सेट किया है। सो इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, मस्कारा एप्लीकेशन करना है एंड ब्राउन को हाईलाइट करना है। सो मैंने ELF का हाईलाइटर यूज़ किया जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जो भी फॉलर था उसको रिमूव कर दीजिएगा। नेक्स्ट गाइस लोअर लैश रूम कम्प्लीट करने के लिए मैं ये पिंक शेड को ले रही हूँ एंड हल्का सा ब्राउन शेड को मैं लूँगी। एंड लोअर लैश रूम कम्प्लीट करने के लिए आपको चाहिए एक ब्लेंडिंग ब्रश जो कि छोटा सा हो ताकि क्लाइंट को इरीटेट ना करे। एंड गाइस बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आपके पास भी आएंगे अगर आप ब्राइडल डील करते होंगे जिनको बहुत ज़्यादा वाटर आता है, जैसे मेरे मॉडल को ना बहुत ज़्यादा वाटर आता है, इनके आइज़ बहुत सेंसिटिव है, तो बहुत ध्यान से आपको करना है, थोड़ा थोड़ा कलर लेना है आप लोगों को एंड स्मज करना है। नेक्स्ट मैं शुगर का काजल ले रही हूँ। शुगर का काजल गाइज, मतलब मैं भी क्या कभी कभी बोलती हूँ ना, वर्ड फिसल जाता है। मतलब इसका काजल मुझे इतना पसंद है ना मैं क्या ही बताऊँ, बहुत पिगमेंटेड है, जेड ब्लैक है। काजल एप्लीकेशन करने के बाद आपको क्या करना है, हल्का सा ब्लैक शेडो ले लेना एंड हल्का हल्का स्मज कर देना है। डन डन डन, अच्छी सी सी बना के ब्लेंडिंग कर लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट आपको मस्कारा एप्लीकेशन करना है। मेबलिन का हाइपर कलर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, वाटरप्रूफ वर्जन है, नॉन वाटरप्रूफ वर्जन भी आप ले सकते हो। डन, अब हमें क्या करना है, लिपस्टिक एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ पहले। सो मैंने आज फॉरएवर 52 का यूज़ किया लिप क्रियॉन इन दी शेड 007। काफ़ी अच्छा शेड है गाइज, बहुत ही ज़्यादा शूट कर रहा था मेरे मॉडल के फेस पे। सो आप न्यूड भी लगा सकते हो, जैसे मैंने आज ब्राउन रखा है, न्यूजी ब्राउनिंग कलर आप बोल सकते हो इसको। मैंने आज कोई रेड वेड यूज़ नहीं किया, रेड मरून तो हर कोई लगाता है, मैंने सोचा कुछ न्यू करती हूँ आज। तो इस तरह से अच्छे से एप्लीकेशन कर लेना आप लोगों को। एंड लैसेस के लिए मैंने बेफोलिन का यूज़ किया, लैसेस एंड ग्लू के लिए PSC। हल्का सा मेकअप को सेट कर रही हूँ PSC की सेटिंग स्प्रे से एंड लिपस्टिक एप्लीकेशन डन हो गया है हमारा। तो अच्छे से लिपस्टिक एप्लीकेशन करने के बाद आपको क्या करना है, हाईलाइटर एप्लीकेशन। आज मैंने हाईलाइटर लास्ट में यूज़ किया है, ELF का है ये, शैम्पेन शेड है आई गेस। सो अच्छे से आपको हाइलाइटर यूज़ कर लेना है एंड गाइज लुक एट द मेकअप। गाइज ये मेकअप इतना अच्छा, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड मैं प्राउड करती हूँ अपने आप पे कि मतलब मैंने होता है ना मतलब इस तरह से मेकअप आपको सिखाया एंड मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया इस मेकअप का। मतलब कुछ भी मुझे कहीं भी मतलब बोलते हैं ना ज्ञान मिलता है तो मैं बटोर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ या मैं यूट्यूब नहीं देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, तो मुझे जहाँ पे भी नॉलेज नज़र आता है ना मैं गेन करने की कोशिश करती हूँ एंड घर पे प्रैक्टिस करती हूँ उसको। बस जो भी था मैंने आपसे शेयर किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड गाइज मैं कुछ भी लाइफ में न्यू सीखूँगी तो मैं आपको भी ज़रूर सिखाऊँगी, कुछ भी न्यू मेथड करती हूँ आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, होल लुक आप देख सकते हो। सो लहंगा बहुत पुराना है गाइस, मेरा ही था एंड ज्वेलरी इज़ फ्रॉम Amazon।
सारी ज्वेलरी मैं आजकल अमेज़ॉन से लेती हूँ, मुझे अफोर्डेबल लगता है, मेरा बजट में फिट आ जाता है। नेक्स्ट गाइज, मैं आप लोग को दिखाती हूँ एक चीज़ कि मैं इस तरह से फिंगर की मदद से या फिर होता है ना पाल्म को रख के थप थप भी कर रही हूँ ना फेस पे, स्टैंपिंग इसे हम बोलते हैं, तो बिल्कुल भी हमारा ना ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये नॉन ट्रांसफ़र मेकअप भी है, देख सकते हो आप, कितना भी आप प्रेशर डाल दोगे ना फेस पे कहीं नहीं आएगा, हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हो मैंने आपको एकदम लाइव प्रूफ दिखाया गाइस, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट गाइस, मैंने वाटर होता है ना अच्छा खास एकदम ठंडा वाला वाटर इनके फेस पे दिया था, बस आप लोग को लाइव प्रूफ देने के लिए, तो भी मेकअप कहीं नहीं गया था। पहले मैंने थोड़ा सा दिया था आप लोग को दिखाने के लिए, इसके बाद मैंने क्या किया, टिश्यू ले लेना है आप लोगों को। आपको क्या करना है, अगर जैसे आप क्लासेस ले रहे हो तो इसी तरह से आपको भी डेमो देना होता है ना, तो मैंने आप लोगों को डेमो दिया है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र आपके टिश्यू में नहीं हो रहा है, मैंने जूम इन करके आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट गाइस, मैंने अच्छा खासा वाटर होता है ना अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे क्वांटिटी में वाटर इनके फेस पे डाला था, मतलब मेरे मॉडल ने बहुत मेहनत की, मैंने मेहनत की, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ गाइस, बट जिसमें एफर्ट करती हूँ मैं बताती हूँ। अच्छे से भी आप वाटर दे दोगे ना फेस पे तो ये मेकअप कहीं नहीं जाएगा, मतलब कि क्लाइंट रोध हो भी ले तो कहीं नहीं जाएगा। तो इस मेकअप को आप 100% वाटर प्रूफ बोल सकते हो, मेरी तरफ से तो गारंटी है मेकअप कहीं नहीं जाएगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करोगे। हर एक मेथड अलग अलग होता है, हर एक टेक्निक अलग अलग होती है, बस आपको अपना उसमें कुछ तरीका इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट गाइस, मैंने आप लोग को टिश्यू में दिखाया कि ये बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, आई में कभी कहीं नहीं गया था, आप देख सकते हो। सो बस आप लोग को मुझे दिखाना था, एंड इसके बाद भी इनका मेकअप वैसे का वैसा ही लग रहा था। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है थोड़ी सी भी, तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल को, एंड इनकी ना पिक्चर या रील्स मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। सो अब वहाँ पे देख सकते हो, मुझे फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, एंड मेरी वीडियोज़ को देख के ये वाला मेकअप लुक आप ट्राई करते हो तो ज़रूर टैग कीजिएगा। सो बस यही रहा फाइनल रिजल्ट, कुछ पिक्सेस मैंने लगा दी है, सो ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, मैं अब बाय बाय एंड टेक केयर।